मैं एक रीसेंट सर्वे पढ़ रहा था यहीं के न्यूज़पेपर में, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर ये गवर्नमेंट करप्शन की वजह से, इसमें ये जनता नहीं कुछ था कि गवर्नमेंट गई है करप्शन की वजह से, अगर ये ना जाती तो अगर ये अपने टाइम पे फिनिश होती तो अगले इलेक्शन में जो मेन सब्जेक्ट होता वो पुर्तगाल में इमिग्रेशन होता जी। ओ होगा, आपको ये ऐसा ही लगता है? हाँ, होगा। उस रिपोर्ट में साथ ये भी लिखा हुआ था कि पुर्तगाल में पहले ऐसे नहीं था, लेकिन इस वक्त कुछ ऑनलाइन तंजीमें ऐसी हैं जो एंटी इमिग्रेशन या एंटी जो है वो मुस्लिम काम कर रही हैं, और उनकी पसंदीदगी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तो आप इत्तफाक करते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही आप कमेंट्स में देखें, सोशल मीडिया में ज्यादा लोग कहते भगाओ सब, उन्होंने कहा जी ऑनलाइन ग्रुप्स बने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये इमिग्रेशन, कहते हैं निकाल दो सबको। तो आप कैसे देखते हैं? मैं देखें ना, जब हमारा अखलाक सही होगा, क्योंकि देखें आप माशाल्लाह हम भी थोड़ी बहुत पुर्तगेजी बोल लेते हैं, हमारा अखलाक अगर सही होगा ना समझा, तो वो खुद हमें पसंद करने लगे। इसलिए कि बहुत से काम जो है ना पुर्तगाली नहीं कर रहा है, इमिग्रेंट्स करते हैं। मैं तो खुद अगर इमिग्रेंट सब चले जाएंगे तो ये काम बंद हो जाएगा। हाँ जी, यही पुर्तगाल जब फ्रांस में जाता है, यही पुर्तगाल जब बेल्जियम में जाता है, वही काम करता है जो इमिग्रेंट यहाँ पर यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरह हम जिसे हम भी यहाँ पे आके जो कर रहे हैं वो अपने मालिक में नहीं करते हैं। तो इसी तरह का है, लेकिन हमारा जो अखलाक है ना वो अगर हम सही तरह कर दें, झगड़ा ना करें, दो ईद ना बनाए और छोटी छोटी बातों पर हम इशू ना करें, तो कहेंगे भाई ये लोग 20 साल से यहाँ पर रहे, 30 साल से रहे, 40 साल से रहे, चलो मोजम्बिक से आए या अफ्रीका से आए, लेकिन आए तो दूसरे ममालिक से ना, चलो छोटी पुर्तगाल से बड़े पुर्तगाल हम आराम से रह रहे थे, कोई किसी को भी कोई शिकायत। ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन अब जो हम हालात देख रहे हैं वो उसमें बड़ा एक्सट्रीम नजर आ रहा है। आज मुझे, मैं जब कहीं पर भी जाता हूँ लोग उसे इंग्लिश में बात करते, मैंने कहा भाई यू सो पुर्तगेज, आज खूब पैसे इमिग्रंट। देखिए ये हाल हो गई।